हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरीशंकर और आज मैं आपको सुनाऊंगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा एक पोएम और इस पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन। एंड में मैं इसके सेंटर आइडिया भी बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अगर प्लस टू के बच्चे हो तो आप इसको ज़रूर देखो। प्लस टू के नहीं हो तो फिर आप कविता के लिए देख सकते हो, वैसे आपकी इच्छा है। लेकिन अगर प्लस टू के हो तो आप ज़रूर देखो या इसको कोशिश करना कि आप इसका सेंटर आइडिया याद कर लेना, कि इसका सेंटर आइडिया जो होता है, सेंटर आइडिया मेन होता है। और ये चार स्टंजाओं का पोएम है। इसका पोएम मैं आपको हिंदी में बताऊंगा ताकि आपको इसका मोटा मोटी बात पता चल जाए। इसके बाद आपको पोएम इसका सेंटर आइडिया है, सेंटर आइडिया करने में आपको काफ़ी आसानी रहेगा। मैं कहता है कभी जंगल में दो सड़कों के जंक्शन पर आया होता है। जंक्शन का मतलब होता है कि जहाँ दो रास्ते आपस में विभाजित हो रहे होते हैं। सड़कें एक दूसरे से अलग हो रही थी। कभी अकेला यात्री था, उसे यह सोचकर खेद हुआ कि वह एक ही समय पर दोनों सड़कों पर नहीं चल सकता। वह दोनों सड़कों के जंक्शन पर काफ़ी समय के लिए खड़ा रहा। जहाँ तक वह देख सकता था, वह एक सड़क को उस बिंदु तक देखता रहा जहाँ तक कि वह वृक्षों और झाड़ियों के नीचे जाकर छिपती थी। फिर कवि ने दूसरी सड़क का रुख किया। यह सड़क भी पहली सड़क की तरह यात्रा करने के लिए अच्छी और आरामदायक थी। यह घास से ढकी हुई थी और इसलिए यह यात्री के लिए अधिक आकर्षण का कारण था। जहाँ तक उस बिंदु तक यात्री द्वारा दोनों सड़कों के प्रयोग का प्रश्न था, तो यात्रियों ने दोनों का प्रयोग किया हुआ था और दोनों उसी सीमा तक घिसी हुई थी जिस सीमा तक कि लोग उस पर चले हुए हों, काफ़ी लोग मतलब चल चुके हों। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि दोनों सड़कों के पत्तों से बराबर बराबर ढकी हुई उसके सामने थी। दोनों सड़कें पत्तों से ढकी हुई थी। मतलब जो लोग चलते हैं तो आप अक्सर देखते हो कि जहाँ पे लोग चलते हैं वहाँ का जो जगह होता है वो साफ़ हो जाता है। यदि घास के मैदान में हो तो जितनी दूर लोगों का आना जाना बना रहता है उतनी दूर घास नहीं उगती, बाकी जगह पर घास उगती है। दोनों सड़कों को कभी अभी तक किसी ने भी प्रयोग नहीं किया था। कवि ने निर्णय कर लिया कि वह पहले सड़क को भविष्य में प्रयोग करने के लिए सुरक्षित रखे। लेकिन वह यह बड़ी अच्छी तरह जानता था कि एक सड़क या रास्ते में से दूसरा रास्ता निकल आता है। उसे संदेह था कि वह फिर कभी सड़कों के उस जंक्शन पर वापस आएगा और पहली सड़क पर चलने के अपने वायदे को पूरा कर पाएगा। इन पंक्तियों में यात्री कहता है कि कई वर्ष बाद जब वह इस बात पर विचार करेगा तो वह किसी को बताएगा कि उसने अपना चुनाव किया किस तरह किया। वह कहेगा कि वह जंगल में चौराहे पर काफ़ी देर खड़ा रहा यह सोचते हुए कि उसको किस सड़क पर चुनाव करना चाहिए, मतलब किस सड़क का चुनाव करना चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए। पहला रास्ता है दूसरा रास्ता। वह उसे बताएगा कि उसने किस प्रकार उस सड़क का चुनाव किया था जिस पर कम लोग ही चले थे।
इस चुनाव ने उसके लिए सारा अंतर बना दिया। इसने न केवल धरती पर उसके जीवन के भविष्य वाले मार्ग पर प्रभाव डाला, बल्कि उसकी मौत के बाद उसके आध्यात्मिक रास्ते पर भी प्रभाव डाला। तो मैं आपको दोस्तों इसका एक सेंट्रल आइडिया सुनाता हूँ। जो सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया में क्या कहता है, सेंट्रल आइडिया इसका क्या है, मतलब इसका जो पूरा निचोड़ बनता है कविता का, इसका निचोड़ क्या है। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ चॉइस मेकिंग इन लाइफ। मतलब यह कविता जीवन में लक्ष्य का चुनाव करने पर आधारित है। चॉइस ऑफ वंस एम इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब अपने लक्ष्य का चुनाव करना बड़ा कठिन होता है। इट हैज ए ग्रेट इन्फ्लुएंस। चुनाव करने का बहुत महत्व होता है। इट इन्फ्लुएंसेस द होल कोर्स ऑफ ए मैन्स लाइफ। यह आदमी के पूरे जीवन को प्रभावित करता है। अनदर आइडिया इन दिस पोएम इज दैट वन कैन नॉट अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स बाई टेकिंग एन ऑर्डिनरी कोर्स। कविता में एक विचार यह भी है कि साधारण मार्ग पर चलकर कोई व्यक्ति असाधारण उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर सकता। ओनली ऑर्डिनरी पीपल फॉलो द बिटन पाथ। केवल साधारण व्यक्ति जिसे बिटे रास्ते पर चलते हैं। ग्रेट सोल ऑलवेज प्रेफर टू ट्रीड न्यू पाथ। महान आत्माएं सदा नए रास्तों पर चलना पसंद करती है। बाय डूइंग सो दे ब्रेक प्रेफर फ्रेश ग्राउंड। ऐसा करने से वे नई राहें खोज लेते हैं।